सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रितेश रंजन ने बुधवार को ब्लॉक चौक स्थित अपने चुनावी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार यहां से जो चुनावी मैदान में है, ना तो उनका कोई सिद्धांत है ना ही कोई विचारधारा, और इस बार यहां के जो एनडीए गठबंधन के लोग थे वह राजद के उम्मीदवार बन बैठे हैं, जो राजद के लोग थे वह एनडीए के उम्मीदवार बने बैठे हैं। इस बार दल की प्रासंगिकता इस विधानसभा में समाप्त हो चुकी है, खास करके कोसी के इस इलाके में दल की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। इस बार मतदाता पूर्णतः विचार कर चुकी है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनके बीच सुख दुख में खड़े रहने वाले हैं, वैसे ही उम्मीदवार को वह चुनाव करेगी और विधानसभा भेजने का काम करेगी। कोई भी पैरासूट उम्मीदवार यहां नहीं चलेगा। जो लोग एसी से कभी निकले ही नहीं, 5 साल में एक बार क्षेत्र में आते हैं और क्षेत्र का नाम तक नहीं जानते, वह इस क्षेत्र के 5 मतदाताओं का नाम तक नहीं जानते हैं, जो इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति नहीं जानते, वैसे लोगों को यहाँ की जनता सीधे तौर पर अब नकार देगी। जबकि मेरा यहाँ जन्मस्थली है, मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति से अवगत हूँ। मैं 24 घंटे 7 दिन क्षेत्र के लोगों के हर सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। अगर भौगोलिक क्षेत्र में देखा जाए तो विधानसभा का बहुत बड़ा इलाका बांध के भीतर है। यहाँ के लोगों का जीवन आज भी नरक बना हुआ है। आज भी वह पूरी तरह आजाद नहीं हुए हैं, वह विकास की धारा से कट चुके हैं। जबकि यहाँ की धरती ने कई सांसद कई विधायक को जन्म दिया है, बावजूद आज तक तटबंध के अंदर बसे लोगों के बारे में नहीं सोचा है। जबकि मेरी क्षमता नहीं है कि यहाँ के लोगों को एक एम्बुलेंस की सुविधा दे सकूं, फिर भी विगत कई वर्षों से यहाँ की जनता को निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा अनवरत दे रहा हूँ। अगर यहाँ की जनता मालिकों का आशीर्वाद रहा तो चुनाव जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता में सर्वप्रथम देगराही घाट और कटडूमर घाट पर पुल निर्माण करवाकर जनता को समर्पित करना है और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र को बिहार के नंबर 1 विधानसभा बनाने का काम करूंगा। देखिए, पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और हमारा जो सिमरी बख्तियारपुर है, जो कोसी का पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे जो जागरूक मतदाता है, क्योंकि इस बार जो दल है वो ना तो सिद्धांत पे है ना किसी विचारधारा पे है। यहाँ पे एनडीए के जो लोग थे वो राजद के उम्मीदवार बने बैठे हैं, जो राजद गठबंधन के लोग थे वो एनडीए के उम्मीदवार बने बैठे हैं। ऐसे में दल की प्रासंगिकता इस विधानसभा में ख़त्म है, खास करके कोसी के पूरे इलाके में दल की प्रासंगिकता ख़त्म है। मतदाता पूर्णतः विचार कर चुके हैं कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग उनके सुख दुख में शरीक होने वाले लोग हैं, वैसे ही लोगों का लोग चुनाव करेगी। कोई भी पैरासूट उम्मीदवार यहां नहीं चलेगा। जो लोग इस क्षेत्र का नाम नहीं जानता है, क्षेत्र के 5 मतदाता का नाम अगर बोल दिया जाए बोलने के लिए, वो ना जानता हो, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ना जानता हो, वैसे लोगों को लोग नकार रहे हैं। और हम लोग चूँकि लगातार यहाँ संघर्ष करते रहे हैं, इस क्षेत्र के हर सुख दुख में शरीक होते रहे हैं, खास करके अगर भौगोलिक क्षेत्र में आप देखिएगा तो इसका एक बहुत बड़ा इलाका बांध के भीतर का इलाका है, जहाँ के लोगों का जनजीवन अगर आप देखेंगे लगेगा कि वह जगह जो है आज भी फरकिया की तरह आज़ाद नहीं हुआ है। अगर यहाँ की मतदाता, यहाँ के ईश्वर का आशीर्वाद और मतदाता का अगर आशीर्वाद मिलता है तो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा जो है पूरे बिहार में सबसे अव्वल रहेगा। सहरसा से विनोद सिंह की रिपोर्ट।